हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है फिर हम जो है कंटिन्यू करते हैं डायमेंशन ज्योमेट्री का टॉपिक इलिप्स। इलिप्स के अंदर क्या करते हैं, शुरू में देखते हैं क्या इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग एक्सेस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट अक्षर। जैसे मान लें कोई इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। इफ द सेंटर ट्रांसलेट फॉर एच टू के, इफ द सेंटर ट्रांसलेटेड एच टू के, सेंटर इस राउंड सेंटर जो है ट्रांसलेट हो गया एच क्यू एच टू के, देन इक्वेशन बिकम्स एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। एंड इंसेंट्रिसिटी वही रहेगी, फोर इंसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एंड फोकी क्या होगी इनकी, एच प्लस ए कोमा जीरो एच माइनस ए कोमा जीरो, ये इसकी फोकी होगी इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगी, एच प्लस माइनस ए अपॉन ई क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू एच प्लस माइनस ए। एक्स इक्वल टू एच प्लस ए माइनस ए अपॉन इफ इक्वेशन ऐसी होकर गई, इफ अनदर इक्वेशन इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू वन, ए लेस देन बी, ए इज लेस देन बी ओ, देन फोकी और इसमें थी फोकी क्या थी, इसमें एच प्लस ए माइनस ए इंटू के, फोकी क्या थी एच प्लस माइनस ए इंटू के, इसी तरह इसमें क्या आएगी के एच तो जो है के प्लस माइनस ए
के माइनस ए एच युगक मेरा क्या आएगा, ये इसकी दो फोर किया जाएंगे, एच प्लस ए एच माइनस ए दैट इज हैड टू फोगी एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग पास हैविंग एक्स हैविंग एक्सेस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन ए इक्वल टू द बी सेंटर अगर सेंटर ट्रांसफॉर्म कहाँ से कहाँ एस टू के कर रहा है तो इक्वेशन बिकम ये आ जाती है इसमें इसेंट्रिसिटी से इक्वेशन का बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर फोर की आएगी एच प्लस माइनस ए कोमा के एच माइनस ए अपॉन के और अगर इसकी डायरेक्टिविटी से क्या जाएगी एच प्लस माइनस ए अपॉन बी इफ इक्वेशन अगर इसकी इक्वेशन ये हो कब हो ये तो इक्वेशन थी ए इज ग्रेटर दैन बी अब वी हैव द इक्वेशन इज ए इज लेस दैन बी दैन फोकी हैव एच कोमा के प्लस ए एच कोमा के माइनस ए इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव इसमें आ जाएगी एक्स इजल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन ई इक्वल टू वाई इक्वल टू के प्लस माइनस बी अपॉन ई इस तरह की ये जो है हम जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं इसकी एरिया ऑफ द एलिप्स मान ली एक एरिया है स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर देन एरिया ऑफ द एलिप्स विल बी पाई ए बी एरिया ऑफ द एलिप्स विल बी इफ द एरिया ऑफ द इफ द इक्वेशन ऑफ द इलिप इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन देन द एरिया ऑफ इलिप्स विल बी पाई ए बी तो एरिया और एरिया ऑफ कितना होगा ये पाई ए बी हो जाएगा ठीक है आगे जैसे क्वेश्चन लगाते हैं अगर आप फाइंड द एरिया अभी कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स बिटवीन देन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स इतने एंड द बिटवीन लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन अच्छा अब देखो एक ये एलिप्स है मान लिया ये
it is to the ellipse. It is to the ellipse. For ellipse, equation is x square upon a square plus y square upon b square. It is ellipse. And x upon a y bar for a ये x upon a plus y upon b ये given है. ये इसके given है, क्या given है इसके point? अगर x equal to a है तो ये क्या a comma 0, ये क्या आ गया y equal to 0, क्या आ गया 0 minus a minus a comma 0, इसकी क्या आ गया 0 comma b. इससे ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये इसकी जो है ये पैरेललोग्रामी आ गई, इक्वेशन होता है पैरेललोग्रामी इक्वेशन, इसके डायगोनल आ गए, क्या आ गए? अब मान लिया ये एक पैरेललोग्रामी आ गई है ए बी सी डी. अब इसका क्या कह रहा है, बिटवीन दैन इन दोनों के बीच का फॉर्मूला, इन दोनों के बीच का एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया क्या है? देखो ये तो एक पैरेललोग्राम है, ये एक इलिप्स है, इन दोनों के बीच का एरिया यही तो होगा भैया. रिक्वायर्ड एरिया क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया ये कह दो, एरिया कितना आ जाएगा जो हमें चाहते हैं, रिक्वायर्ड एरिया सारे एरिया को इलिप्स में से, एरिया ऑफ इलिप्स एरिया ऑफ इलिप्स माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, एरिया इलिप्स होता है पाई ए बी माइनस पाई ए बी. अब है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल आ गई है, क्या आ गई? दो ट्रायंगल आ गई है, एक ट्रायंगल ये रही और एक ट्रायंगल ये रही, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 क्या आएगा, बेस इनटू हाइट, तो क्या आएगा 1/2. देखो इसका क्या आएगा, ये बेस कितना आएगा, 1/2 इनटू 2b इनटू a, टू बी ए, टू ए बी अपॉन टू, इसका भी क्या आएगा, सिमिलरली वी हैव टू ए बी अपॉन टू इक्वल टू क्या आएगा, फोर ए बी अपॉन टू, टू से टू जाएगा, मीन्स टू ए बी. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्रामी माइनस क्या आ गया, टू ए बी. इन दोनों ने क्या कॉमन लिया, ए बी को उन्होंने कॉमन ले लिया, फाइव माइनस टू क्या आ गया, फाइव माइनस टू आ गया, क्या आ गया, पाई माइनस टू. देखो क्या था भाई क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स का एरिया निकालना है जो बिटवीन द लाइन ए के पैरेललोग्राम एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये एक इलिप्स आ गए, ये इसकी इलिप्स है,
इस लाइन की एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इफ एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू बी इफ वाई इक्वल टू जीरो, फोर एक्स इक्वल टू ए। इस तरह की ये फिगर बन गई पैरेललोग्राम की। ये अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना, बीच का एरिया क्या हो जाएगा, इनके बीच का एरिया होगा शेडेड डिवीजन या ये। अब ये एरिया किससे निकलेगा, इस सारे एरिया में से, एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सारे इलिप्स के एरिया में से, एरिया ऑफ इलिप्स में से सारे में से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही घटा दीजिए माइनस का। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या आ गया, पाई ए बी माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया, यहाँ से ये दो ट्रायंगल हैं ये वाली, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 टू बी इंटू ए, 1/2 टू बी इंटू ए, फोर ए अपॉन बी, इन्हें टू ए बी अपॉन टू, टू ए बी अपॉन टू क्या आ गया, फोर ए बी अपॉन टू, टू से टू जाएगा क्या आ गया, टू ए बी क्या आ गया, टू ए बी, इन दोनों से ए बी को मान लिया क्या आ गया, पाई माइनस टू आ गया, दैट इज कॉल्ड द पाई माइनस टू। बात में आगे बढ़े भाई, देखो भाई एक ये इलिप्स है, देखो भाई ये कोई इलिप्स है, क्या है ये कोई इलिप्स है कि कैसा इलिप्स है ये, अगर कोई पॉइंट है इसके अंदर, ये इनसाइड बाहर है तो क्या है आउटसाइड, और इस पे है तो, और इस पे है तो ये इनसाइड, अगर ये कुछ है If x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is the equation of the ellipse. If there are a point, if if there are a point P x y such that SP is equal to EPM, if there exists a point P SP is equal to EPM, then x square upon x1 का square upon plus y1 का square plus b s, या s ही मान लेते हैं, then x1 का square a का square
plus y1 by this is equal, if that lies on this point, that this, then on this point lies on this ellipse. ये f लिए गए तो f मान लो कि यार ज़्यादा करूँगे f1 p is equal to e p m if अगर ये condition आ जाए तो इसमें जो है lies on this, that this point lies on this ellipse. If f p 1 is less than e p 1 then इलिप्स क्या होगा, इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो. For this inside the ellipse, for this point inside the ellipse, if अगर क्या जाए f1 p is greater than e p, f1 p is greater than e p m, ये क्या जाएगा, then then x1 is equal to x1 का whole square upon a square minus y1 का square minus b square is greater than minus 1 is greater than 0. ये कहाँ क्या है, inside, ये क्या जाएगा outside. अगर ऐसा जाए ये क्या होगा, outside the ellipse होगा. ये क्या होगा, आउटसाइड द इलिप्स होगा. यानी कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज हैव द इंटीरियर रीजन, यानी कि एक्स स्क्वायर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनसाइड द रीजन. ये क्या कहलाएगा, अगर मान लिया कोई इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन ये है, ओ पी पॉइंट है, इस तरह की कंडीशन आ जाए पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, यानी एस जो होगा ये क्या आएगा, यार एस वन ही कहला दो, एस वन ही कह दो, क्या कह दो उसको, एस वन, एस वन जो है उस पर लाइक करेगा पॉइंट, ये पी एक्स वन जो है लाइक करेगा. अगर एफ वन पी F1P is less than EPM, then ये F1 क्या आएगा, X1 का स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो. और अगर ये जगह इनसाइड द एलिप्स होगा, इनसाइड द एलिप्स को कह रहे हैं इंटीरियर रीजन ऑफ द एलिप्स. और अगर ये इसका उल्टा हो, पी एफ वन पी इज ग्रेटर देन ई पी एम, देन एक्स वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई वन बाई स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, देन दिस रीजन कॉल्ड
जिसमें पॉइंट आउटसाइड एलिप्स होगा, इट इज कॉल्ड द, इस इक्वेशन में क्या कहते हैं, एक्सटीरियर रीजन। ठीक है भाई, हम निकाल दें इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कोड। क्या है इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी? लेट पी क्यू इज द फोकल कोड, लेट पी क्यू इज द फोकल कोड ऑफ इलिप्स थ्रू द फोकल कोड ऑफ इलिप्स एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये ए इज ग्रेटर देन बी, थ्रू द पासिंग इफ पी इज ए फोकल कोड इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई ए ग्रेटर देन थ्रू द पासिंग फोकस थ्रू द फोकिंग फोकिंग एस दिस कोड हैव टू सीजमेंट एफ पी एंड दिस प्रोडक्ट हैव दिस कोड हैव टू सेगमेंट एफ पी एंड एफ क्यू द हार्मोनिक मीन इज देयर हार्मोनिक मीन their harmonic mean because PQ is a focal chord of a through the passing foci S, the chord have two segments SP and SQ, their harmonic here harmonic mean will be semi lattice rectum, inka harmonic mean will be सेमी लेटर रेक्टम होगा। तो क्या आएगा हार्मोनिक मीन यानी एस पी का वन अपॉन एस पी प्लस वन अपॉन एस क्यू, एस पी अपॉन वन अपॉन एस क्यू इक्वल टू क्या है टू ए अपॉन बी स्क्वायर। यह है ना, अगर ए
बी सी इसमें हो तो क्या आएगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी इज इक्वल टू टू अपॉन बी आता है नहीं ये। सिमिलरली वन अपॉन एस पी इज इक्वल टू वन अपॉन एस इज इक्वल टू क्या आएगा, टू ए अपॉन बी स्क्वायर, बोलिए बी टू ए अपॉन बी स्क्वायर। अगर इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ इलिप्स बाइसेक्टेड ग्रीन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स बाइसेक्टेड एट ग्रीन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए लीफ बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, लेट एक्स स्क्वायर, देखो क्या है, लेट ये कोई इलिप्स है, लेट इट इज द इलिप्स, इलिप्स किस तरह है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये कोई इलिप्स है और इस इलिप्स पे कोई एक कोड है पी आर क्यू आर, मान लीजिए क्यू आर कोई कोड है, लेट हियर आर क्यू आर इज द पॉइंट Which passes through the focus इसके क्यू आर का मान लिया मिड पॉइंट पी है, लेट क्यू आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर का जो मिड पॉइंट है पी है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई एंड दिस कोऑर्डिनेट इज देयर कोऑर्डिनेट इज एक्स वन एंड एक्स वन वाई वन, इसके अगर कोऑर्डिनेट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स टू, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स थ्री वाई थ्री है, देन द इक्वेशन ऑफ कोड इज then the equation of the chord is
x1 upon a square plus y1 upon b square is equal to 1. x1 upon a square plus y1 upon यह x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 का b स्क्वायर अपॉन y-1 हियर t इज इक्वल टू वी दैट t इज इक्वल टू f1 t इंप्लाइज दैट x1 अपॉन a स्क्वायर y1 प्लस अपॉन b स्क्वायर -1 एंड s मींस x1 का a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1 दैट इज वी हैव द t equal to नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म एन एलिप्स. क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एन एलिप्स लेट अगर मान लिया कोई देखो अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे अगर ये पढ़ा था x = x² प्लस y² = a² इस सर्कल के लिए क्या आ गए थे फोर्थ सर्कल x = a cos थीटा y = a sin थीटा x = a cos थीटा y = a sin थीटा इसमें अगर और अब अगर इलिप्स है ये तो इसमें क्या आ जाएगा ये इस फॉर्म में लिखने के लिए इसे लिख सकता हूं मैं x/a² + y/b² = 1 इट मींस वी हैव x/a इक्वल टू ये है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले रहा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर आ गया सिमिलरली वी हैव x/a = cos थीटा y/b = sin थीटा x/a cos थीटा = y/b sin थीटा इट मीन्स x = a cos थीटा y = b sin थीटा
अगर मान लिया ये इसकी पैरामीटर, अगर मान लिया कोई सेंटर एच के में कोई ट्रांसफर होता है कोई, ये तो इसका क्या हो जाता है एक्स, जैसे मान लिया है ये एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वल टू x इक्वल टू बी प्लस कोस थीटा, x इक्वल टू क्या आएगा क्या आएगा, ये मरे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एन लिप्स इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी की एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा वाई बी थीटा। सिमिलरली फॉर दिस इफ द वी हैव द इक्वेशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वी हैव एक्स इक्वल टू एच प्लस बी कोस थीटा वाई इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा, ये का आ जाएगा। अब आगे क्या एक और क्वेश्चन लगाते हैं, देख इस पे सवाल है ये, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स फाइंड द इसेंट्रिक ऑफ द इंसेंट्रिक एंगल, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ये हूज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स देखो इक्वेशन दे रखी है तीने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे थोड़ा ये कर लो, ये ना करके इसे क्या मान लो, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन छ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू वन, एक्स
क्या छः अपॉन वाई अपॉन इक्वल टू टी। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, वही पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स इक्वल टू रूट छः कोस थीटा, एक्स इक्वल टू रूट छः कोस थीटा। वाई इक्वल टू क्या आएगा, रूट टू एक्स इक्वल टू रूट सिक्स कोस थीटा, वाई इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ये आ गया भैया। अब इसमें क्या करते हैं, whose distance from the center is root 5, whose distance from the center is root 5। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गए, रूट टू कोस रूट सिक्स कोस थीटा, ये आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, रूट टू कोस थीटा रूट टू साइन थीटा। और इसकी ये देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द इलिप्स ये है सी पी इक्वल टू रूट फाइव, सी पी इक्वल टू क्या आ गया रूट फाइव। अब कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये फर्स्ट है By the first and second equation we have squaring and adding on both sides, squaring and adding on both sides, क्या आ जाएगा ये, सीपी क्या जाएगी, ये सेंटर से क्या जाएगी रूट सिक्स के कोस क्या है थीटा, रूट सिक्स कोस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लूंगा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या कर लूंगा, क्या गया सिक्स, क्या गया सिक्स माइनस
6 minus 6 sin theta square theta plus 7 pi by 6 ये और क्या लिख सकते हैं 11 pi by 6 भी लिख सकते हैं। एंड सो If the line LX plus MY plus N, if the line LX, if the line LX plus MY plus N is equal to 0 cuts the ellipse cuts the leaf x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 eccentric circuit where eccentric angles differ by
where eccentric angle differ by pi by 2 a square up l square b square m square or a square l square plus b square upon then if the line lx plus my plus n cuts the ellipse x square y square square to in the point where the eccentric angle ellipse differ by pi by 2 then find the value of a square l square plus b square upon a n square equal to 1 अच्छा जैसे मान लिया कि ये कोई लाइन है भाई ये आंसर है इसका मान लिया ये लाइन है ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 कट्स कितने करती है मान ली लाइन है कट करती है इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर पी इक्वल टू क्या आ जाएगा मान ली क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा ए कोस पाई बाई टू प्लस थीटा ए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा ए और बी है तो यहाँ बी ए आ जाएगा ए कोस थीटा बी साइन थीटा पी के क्यू के ए कोस थीटा बी साइन थीटा सिंस पी क्यू लाइज on lx plus my plus n is equal to 0 since pq lies ye pq jo hai jo pq point in pe lie kar raha hai lx plus my plus n to x ki jagah a cos theta b ki jagah kya likhte hain by sin sin theta we have g hai agar isko अगर ये पी से पास होके जा रही है तो एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है ए कोस थीटा बी की वैल्यू क्या वाई की वैल्यू क्या लिखनी है बी साइन थीटा एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है ए साइन थीटा बी की वैल्यू क्या लिखनी है वाई साइन थीटा तो क्या आ गया ए ए एल कोस थीटा प्लस बी एम साइन थीटा इज इक्वल टू एन ये प्लस एन इक्वल टू 0 इसको क्या कर लेंगे क्यू को ए कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस माइनस ए साइन थीटा कोमा बी कोस थीटा अब इससे हो गया जाएगा ये क्या आएगा माइनस एंड वी हैव
माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा ए एल माइनस ए एल साइन थीटा प्लस बी एम कोस थीटा प्लस एन इक्वल टू जीरो। ये दोनों आ गए भाई। अब क्या आ गया ये, इसको कर लेता हूं मैं माइनस के, इसे भी क्या कर लेता हूं मैं अब ये क्या है, अब इन्हें दोनों को सोल्व कर लेता हूं। दोनों क्या कर लेता हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इन्हें दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, क्या जाएगा ये देखो ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू एन स्क्वायर। इस तरह ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, टू ए बी से दोनों टू ए बी चले जाएंगे, क्या जाएगा ये जी है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा मैं, लेकिन बाई ये क्या आएगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों से यहां से कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा वी हैव ए स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों से क्या कॉमन ले लूंगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर दोनों से फिर कॉमन ले लूंगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई वन, तो क्या ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, यहां से देखो एक एन स्क्वायर यहां से आएगा, एक एन स्क्वायर आएगा यहां से, क्या आएगा टू एन स्क्वायर, क्या आएगा यहां से टू एन स्क्वायर, क्या जाएगा यहां से तो यहां क्या आएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, तो क्या गया ए स्क्वायर अच्छा ये नहीं ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी में स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू टू एन स्क्वायर, या वी कैन से ए स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू टू एन स्क्वायर। देखो भाई ये क्या था, इफ द लाइन एक लाइन थी कट्स द इलिप्स इस तीन को इन द पॉइंट हु सेंटर इज एंगल और डिफर्ड बाई पाई बाई टू, इनका एंगल जो है सेंटर का पाई बाई टू है, मान लीजिए सेंटर सेंटर ये क्या आ गया पाई ए कोस थीटा साइन थीटा हुआ, इफ पाई बाई टू डिफर है तो कोस पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ये ए कोस थीटा। अब ये पी क्यू जो है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को काट रही है, अगर ये वाला पॉइंट काटते ये पी तो इक्वेशन आ गई ये पहली, अगर क्यू काटते ये तो आ गई ये दूसरी। अब इन दोनों इक्वेशन को पास करके इक्वेशन एंड फर्स्ट को दोनों को एडिंग एंड स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव को ए स्क्वायर स्क्वायर को स्क्वायर फोल करके ये आ गया ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल टू टू एन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू टू, दैट इज आंसर। ठीक है भाई,
ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या प्रूव है, प्रूव दैट द सम ऑफ इसेंट्रिक्स एंगल एंगल प्रूव दैट इसेंट्रिक्स इज द सम ऑफ द इसेंट्रिक एंगल प्रूव दैट दैट sum of eccentric angle prove that the sum of eccentric angle four coincidental point prove that the sum of eccentric angle of four of coincidental points of the ellipse is prove that sum of the eccentric angle of the four coincidental points is k of the ellipse x square plus y square upon b square is equal to 1 is 2n pi. Let, so एक सर्किल की इक्वेशन है, let सर्कल का एक इक्वेशन है x square plus y square प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. क्या सर्किल के स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. और इसे ये कट्स द इलिप्स, ये जो है कट्स, इसे काट दिया, किसे काट दिया है, कट्स किसे करते हैं, इलिप्स को. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. इस ये जो है ये इसको काटती है, कौन सी पॉइंट पे काटती है, फोर पॉइंट पे, कट इन फोर पॉइंट. कट्स द फोर पॉइंट पी क्यू आर एस, इनको पी क्यू आर एस पे काटती है. अच्छा, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या देंगे इस फोर्स के, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा. x इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी इक्वल टू y साइन थीटा. तो ये क्या आ गया, ए कोस स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू क्या आ गई, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी प्लस टू बी वाई साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. क्या गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू ए जी कोस थीटा टू बी वाई टू बी वाई टू ए जी कोस थीटा प्लस टू बी वाई बी एफ बी वाई बी एफ बी एफ प्लस सी साइन थीटा. अब क्या करा मैंने, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लगा दी टेन में, क्या गया ए इज इक्वल टू वन माइनस टी का स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्या आ गया, वन माइनस टी का स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर
ये क्या होगा, बी का स्क्वायर ये क्या गया, टी का स्क्वायर टू टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, ये क्या गया टू टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ गया प्लस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी वन माइनस प्लस साइन थीटा की वैल्यू टू टी अपॉन प्लस सी वैल्यू, ये कोस कोस थीटा की वैल्यू वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये इस तरह की वैल्यू रख देंगे। वेयर टी इज इक्वल टू, टी की वैल्यू कितनी है, वेयर टी इज इक्वल टू, वेयर टी इज इक्वल टू, अगर मान ले टेन थीटा बाई टू है, टी की वैल्यू कितनी है टेन थीटा बाई टू, जब भी तो फॉर्मूला होगा इस टी का जिसका हाफ का एंगल है, टी इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, अगर टी की वैल्यू टेन थीटा बाई टू है, अब इसको जो हम सोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे सबको हमने सोल्व कर लेंगे, और उसको सोल्व करो भैया, खोल गए यानी ए माइनस बी का स्क्वायर, ए वन प्लस टी का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे, देखो क्या आ गया है, देखियो पहले तो टी स्क्वायर की टी की पावर फोर का हम जेएस का कोफिशिएंट इकट्ठा कर लेंगे, क्या जाएगा ये यहां पे ए स्क्वायर ये आ गया ए स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस सी स्क्वायर इधर टी की पावर फोर, फिर टी की क्यूब का फिर टी क्यूब का फोर बी एफ टी क्यूब, फिर सी स्क्वायर का, फिर क्या कर लूंगा इसका सी स्क्वायर कर लूंगा, सी स्क्वायर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर इकट्ठा कर लेंगे, ये टी स्क्वायर का आ गया, टी स्क्वायर क्या आएगा माइनस टू ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर, फिर क्या कर लूंगा टी का कर लूंगा, फोर बी एफ टी क्या आ गया प्लस फोर बी एफ टी, फिर एक और क्या कर लेंगे, फिर कॉन्स्टेंट इकट्ठा कर लेंगे सारा, कॉन्स्टेंट इकट्ठा करेंगे क्या आएगा, क्या जाएगा ये क्या जाएगा इसका इकट्ठा करके बोलो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए जी प्लस सी ये आ गया। अगर मान लिया इनके जो रूट हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट हैं या इसके जो रूट हैं वो कितने हैं, टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू टेन गामा बाई टू टेन डेल्टा बाई टू, कितने रूट आ गए
tan. तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू, क्या आएगा tan इक्वल टू एस वन माइनस एस थ्री वन माइनस एस टू प्लस एस फोर, क्या आ गया वन माइनस टेन अल्फा बाई टू प्लस बी बाई बीटा बाई टू, ये आ गया अल्फा बाई टू बीटा बाई टू एस वन माइनस एस थ्री वन माइनस एस टू एस वन, एस वन एस वन क्या आ जाएगा, ये सम ऑफ द रूट ये आएगा माइनस फोर बी एफ अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू ए जी प्लस सी, क्या जाएगा माइनस फोर बी एफ अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस, ये एस वन आएगा। एस टू अब क्या निकाल लेंगे, एस टू निकाल लेंगे। अच्छा जैसे S1 है और इसी तरह देखो ये यहाँ भी माइनस टू ए जाएगा, क्या करना, ये जो करेंगे माइनस के जाएगा, क्या आएगा एस वन इज इक्वल टू क्या लिखा एस थ्री आ गया, एस वन इज इक्वल टू क्या गया एस थ्री आ गया। जब एस वन की एस थ्री की वैल्यू रखूंगा तो जीरो अपॉन एस टू एस फोर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसे एस टू एस फोर निकालने की क्या नहीं पड़ी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या गया टेन अल्फा बाई टू, क्या आएगा टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू टेन गामा बाई टू इक्वल टू जीरो, तो क्या गया टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू प्लस टेन गामा बाई टू इक्वल टू टेन जीरो, जीरो आ गया। तो जीरो की वैल्यू जीरो, तो क्या आ गया ये क्या गया अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपॉन टू इक्वल टू एन फाइव, टेन थीटा टेन जीरो इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन जीरो, ये होता है ना टेन थीटा इक्वल टू टेन जीरो, तो थीटा इक्वल टू एन फाइव इक्वल टू एन फाइव। इधर आ गया क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू टू एन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या है टू एन फाइव। देखो भाई ये कोई जो है इक्वेशन दे, ये क्या है प्रूव दैट अ सम ऑफ सेंट्रिक सर्कल ऑफ द फोर कॉन साइक्लिक पॉइंट, मान लिया ये कोई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है इसकी है और इसकी जो है ये इक्वेशन किसकी है, ये सर्किल की है इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू साइन थीटा, इसमें रख दूंगा मैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख दी वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या रख दी टू टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, वे थीटा इक्वल टू टेन टी बाई टू। इन दोनों को सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद क्या आ गया नहीं सोल्व इनका स्क्वायर खोलने के बाद क्या आया, इनका स्क्वायर खोलने के बाद ये टी की पावर फोर का टी क्यूब टी स्क्वायर टी आ गया। तो टेन अल्फा प्लस बी अल्फा बाई टू का जिसकी कोड ये इसके रूट हैं ये, तो क्या आएगा टेन एफ वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू एस वन। तो एस वन क्या आएगा सम ऑफ रूट, क्या एस वन माइनस टी का क्यूब कोऑर्डिनेट ऑफ टी क्यूब अपॉन टी की पावर फोर का कोऑर्डिनेट, ये आगे माइनस सिमिलरली एस थ्री भी यही आ जाएगा, यानी इफ एस वन इज इक्वल टू एस थ्री देन वी हैव टेन अल्फा बाई टू टेन गामा बाई टू टेन डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो, अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू जीरो, हैंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू टू एन पाई, दैट इज द स्क्वायर इज टू एन पाई, इसका क्या होगा टू एन पाई होगा।
ठीक है भाई, आज के लिए कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।